कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नवामि। आध्यात्मिक कहानियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से भगवती तुलसी शालिग्राम से विवाह करती हैं। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं जो कि शिव पुराण से है, जिसका शीर्षक कुबेर का अहंकार है। चलिए कहानी सुनते हैं। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोगों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोगों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके ईष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वे कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोगों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोजन का आयोजन करने जा रहा हूं, कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, बस मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोजन का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए और भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया भोजन सारा की सारा खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वह रसोई में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए। तब भी उनकी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं था तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कुबेर का अहंकार जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कहानी हम अपने चैनल द्वारा आप तक सुनाते रहते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।